सर ट्रक ड्राइवर अगमजोर और एग्जाम आईओ गौतम अय्यर के बैकग्राउंड में कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले माफिया से जुड़ा केस है भी या नहीं, क्योंकि आंसर शीट्स के गायब होने के पीछे कोई मकसद क्लियर नहीं हो रहा है। आई नो सर हमारे पास 36 घंटे से भी कम बचे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। ओके सर। सर दिनेश गुप्ता जी हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं और उनका भी ट्रक गायब हो गया सर। सर मेरा ड्राइवर अरहर दाल की डिलीवरी देने अजमेर गया था, आज सुबह ही उसको डिलीवरी करनी थी लेकिन कल रात से उसका फोन बंद आ रहा है और डिलीवरी भी अब तक नहीं हुई। कहीं फंस गया होगा, पहुंच जाएगा। अरे सर पिछली बार के जैसे झूठी उम्मीद मत लाद दियो। पिछली बार के जैसी मतलब? सर पिछले महीने भी इनका एक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया था और ना ही वो ट्रक मिला ना ही ट्रक का ड्राइवर। सर ऐसे ही महीने के महीने ट्रक गायब होंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, ऊपर से ड्राइवर के घर वालों ने ऑफिस में आकर मातम मचा रखा है। आपके ट्रक में GPS लगा है क्या? नहीं सर। ठीक है, जैसे ही हमें आपके ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिलती इन्फॉर्म करेंगे आपको। ठीक है सर। सर एक तरफ एग्जाम बोर्ड की आंसर शीट का ट्रक गायब हुआ और दूसरी तरफ अरहर की दाल का ट्रक गायब हुआ, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है क्या? ये इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले महीने भी इसका एक अनाज से भरा हुआ ट्रक गायब हुआ है। हम इस केस को क्वेश्चन पेपर लीक माफिया से जोड़कर देख रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल कुछ और है? सर मैं तो पहले से यही आकलन कर रहा था, ये देहना से जंगल की ओर जाने वाला रास्ता नैऋत्य कोण में है। नैऋत्य कोण मतलब? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य कोण की दिशा होती है, इसे राक्षसों की भी दिशा कहा जाता है सर। अगर किसी के घर का साउथ वेस्ट बिगड़ जाए तो उस घर के लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। पाठक जी बंद कीजिए अपना ये आकलन और पता कीजिए पिछले महीने कोई दूसरा ट्रक या व्हीकल गायब हुआ है क्या। अब जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इलाके में कोई व्हीकल रॉबरी गैंग एक्टिव हो गया है? साहब जी से मिलना है। क्या हुआ? हमें बड़े साहब जी से मिलना है। हाँ लेकिन हुआ क्या है? इतना सब कुछ हो गया हमारे साहब जी के साथ और आप लोगों ने हमें नहीं बताया। बलजीत भाई जी को भी मना कर दिया कि हमें कुछ ना बताएं। बलजीत कौन? जिनके यहाँ ट्रक चलाते थे हमारे पति। बलजीत राणा? हाँ, अगमजोत जी की पत्नी है। हम बड़ी मुसीबत में फंस गया यार, मैं नहीं लग रही मैं वापस आ पाऊंगा। सर जी हमारे साहब जी को ढूंढ दीजिए। सर जी आपको अंदाजा तक नहीं है कि हम पर का गुजरती। उससे पहले मैंने इतना घबराहट अपने सब्जी की आवाज में कभी नहीं सुनी। उन्हें ढूंढ दीजिए सर जी। खुशबू हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। उन्हें कुछ हो गया तो? हिम्मत रखिए खुशबू। ये बताइए ये जो वॉइस मैसेज है, इससे पहले अगमजोत से फोन पर कब बात हुई थी आपकी? हमारा उनसे एक वीडियो कॉल हुआ था। बड़ी चंगी लग रही है। और GPS डीएक्टिवेट हुआ था कल शाम को 6 बजे। कहा हुआ सर जी? अब प्लीज थोड़ी सी देर के लिए बाहर बैठिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। प्लीज प्लीज प्लीज। कल शाम 5:30 बजे की CCTV फुटेज है हमारे पास जो देना रोड की है। ये वीडियो कॉल हुआ था 5:38 पर। उस इलाके में जितने भी ढाबे हैं सब जगह इंक्वायरी करो। GPS डीएक्टिवेट हुआ है 6 बजे के आसपास। हमें पता करना होगा कि 5 से 6 के बीच में क्या क्या हुआ है और पता करो कि वॉइस मैसेज भेजते वक्त अगमजोत का फोन कहाँ एक्टिव था और वो जो सेकंड ट्रक का ड्राइवर है बिना
कॉल हिस्ट्री निकालो उसके हेल्पर की, क्विक। ओके सर। चलिए, सर ने आपको घर छुड़वाने के लिए बुलाया। पर सर जी तो बोले थे कि वो हमें दोबारा बुलाएंगे। हाँ, अभी जो पूछना था वो पूछ लिया। अमन ज्योत के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हमें भी यहाँ रहने दीजिए ना सर जी। आपके यहाँ रहने से क्या होगा? देखिए, आपकी बच्ची छोटी है, आप पेट से हो, आप घर जाइए। सर जी, अपना बच्चा का कसम खाकर आए थे कि उसके पिता को वापस लेके जाएंगे। आप हमारे पति को ढूंढ दीजिए, हम उनके साथ वापस चले जाएंगे। 6 घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी ब्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंडीर एक क्रिमिनल लॉयर है, मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर, इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंडीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंडीर अभी कोर्ट में है सर। उसके केस की हियरिंग चल रही है, वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, उनका राउंड अप हो रहा है, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। ये पलक फोन का ही नहीं उठा रही है। भैया पलक भाभी घर में ले ले। अबे नहीं, घर पे नहीं। आरती, रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची। देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। संध्या दीदी, हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है, हम कुछ छुपाएंगे क्यों? लोग मैं अभी बात नहीं कर सकती, मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है? अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। तुम एक काम करो, आगे लो, जल्दी जल्दी आगे लो। देखिए पंडित जी, मामला बहुत सीरियस है। मानसी को अगवा हुए 9 घंटे हो चुके हैं। आप लॉयर हैं, आप भी जानते हैं कि समय बर्बाद करने से इस तरह के केसेस में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए। क्या कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मानसी मेरे अंडर काम करती है, वो काफी समझदार है। मैंने उसे केस भी दिया था, दुर्भाग्य से वो केस हार गई। लेकिन वो अपनी फ्रेंड रितु के एक मैटर में इन्वॉल्व थी। कैसा मैटर? रितु को एक गुंडा परेशान कर रहा था, मानसी ने उस गुंडे के खिलाफ FIR भी करवाई थी। लेकिन रितु की मदर ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, पिछले 12 घंटे में ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई जो हमें किडनैपर का क्लू दे सके। हो सकता है कि दिन में छुप गए लेकिन रात में मूव करें। हो सकता है सर। संदीप, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और कोई घर नहीं जाएगा। श्योर सर, अपनी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर, आई डू माय लेवल बेस्ट। पिछले 12 घंटों से उन दोनों लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी, इसका एहसास हम तुम नहीं कर सकते। हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लें। और जब तक हम उनको सुरक्षित नहीं बचा लेते कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। Yes, sir. Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ और वो है मेरी मॉम, मेरी स्वीट सी मॉम। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? नहीं, 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 नहीं।
फ्रेंड्स, मेरी मॉम ना बहुत शायसी है, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी मॉम मेरी बैकबोन है। यही तो होती है ना हमारी मॉम्स की खासियत, कि अपने बच्चों को आगे रखने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। वर्ल्ड्स की बेस्ट मॉम। कौन है ये? किसकी फोटो है? उमेश। और सर, मानसी और रितु ने सदर थाने में इसकी कंप्लेंट फाइल की थी। ओ क्या? अरे तुझे देखकर बावला भी हो गया मैं। सुन ना, मेरे बिल्कुल पास मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। सुन ना मेरी, अरे मेरी बात तो सुन, पैसे दूंगा ना तुझे बहुत। अरे सुन 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 सही बोल, क्यों कर रहे थे किडनैपिंग? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। साहब, मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच, तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव, नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था तुझे, समझा? मैडम, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ मैडम, गलती हो गई। मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम। मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं भूल रहा हूँ आपको। रितु, क्या अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। जेल से बाहर निकलते ही किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली तूने? मैं तो छोटी मोटी हेरा फेरी करने वाला आदमी, किडनैपिंग करूँगा सब मैं। यादव, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी अच्छी तरह से दुराई करो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।